वेलकम बैक माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर मनोज कुमार आप सभी का मेरी चैनल सफलता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वर्ण व्यवस्था। तो मैं अपना स्पीच देने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ना तो मैं वर्ण व्यवस्था के समर्थन करूँगा, ना ही इसका विरोध करूँगा, बल्कि मैं वो कहूँगा जो सत्य है। वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों ने अपने ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन किया है, अलग अलग बातें कही हैं, पर मैं आपको जो सत्य है वो आपको बताने वाला हूँ। तो वर्ण व्यवस्था क्या, वर्ण का मतलब होता है रंग। तो जब मनुष्य आदिकाल में जी रहा था, जब उसके ऊपर हिंसक प्राणियों का हमला होता था, तो उस समय जो लोग सत्व गुण प्रधान थे, सत्व का रंग होता है सफ़ेद, तो उन्होंने समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी उठाई और वो लोग हुए ब्राह्मण। फिर जब समाज पर हिंसक प्राणी हमला करते थे, दूसरे समूहों का हमला होता था, तो उस समय जो लोग वीर थे, सूरवीर थे, जो धैर्यवान थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने समाज की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई और वो बने क्षत्रिय। उनका गुण था रजस, रजस का रंग होता है लाल। तमस, तमस का रंग होता है काला। तो जो लोग रजस और तमस गुण प्रधान थे वो लोग बने वैश्य। उन्होंने समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का, समाज की जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी उठाई, वो बने वैश्य। फिर इसी समय दरमियान जिन्होंने अन्य वर्गों की, अन्य वर्णों की सेवा करने का, सर्विस देने का जिम्मेदारी उठाई, वो बने शूद्र। ये समाज की एक व्यवस्था थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी पूरी तरह से साइंटिफिक साइकोलॉजिकल व्यवस्था थी। ये व्यवस्था जो थी कर्म आधार थी, इसका आधार था कर्म। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं था। जो व्यक्ति जिस एटीट्यूड वाला होता था, जिसका वे ऑफ थिंकिंग जैसा होता था, जिसकी मनोदशा जैसी होती थी, वो उसी तरह का प्रोफेशन करता था। जैसे कि परशुराम का उदाहरण दूं, तो परशुराम ने क्षत्रियों वाला कर्म किया, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्राह्मण वाला कर्म किया। यानी पूरी व्यवस्था कर्म प्रधान थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें सड़न आई और हमारे देश में ये वर्ण व्यवस्था, इसके कारण काफ़ी देर हानि उठानी पड़ी हमारे देश को। इसके मैं पहले लाभ बता दूं आपको। तो ईस्वी सन 1500 तक भारत की जीडीपी थी 32%। आपको आश्चर्य होगा, ईस्वी सन 1500 में भारत की जीडीपी थी 32%। आज हमको 8% जीडीपी लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और डिफिकल्ट टास्क हो गया है। फिर ईस्वी सन 1700 के लगभग भारत की जीडीपी हो गई 23%। भारत इतना समृद्ध था कि विदेशी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे। मुगलों और अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति को, समृद्धि को देखकर भारत पर हमला किया था। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने भारत को समृद्ध बनाया, तो उन मूर्खों को मेरा कहना है कि भारत पहले से ही सुखी समृद्ध था। वो कोई भी देश अन्य देश पर आक्रमण उसकी संपत्ति को पाने के लिए करता है, उसको समृद्ध बनाने के लिए नहीं। तो भारत पहले से ही समृद्ध था और ये जो मुगल और जो ब्रिटिश लोग थे, ये भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत में आए थे। और भारत ने जो भी साहित्यिक, वैज्ञानिक, जो कला के क्षेत्र में जो भी विकास किया, उसका आधार था वर्ण व्यवस्था। कैसे? तो मनुष्य जो भी नया क्रिएशन करता है, जो भी चीज बनाता है, वो लेजर टाइम में बनाता है, फुर्सत के समय में बनाता है। मनुष्य का जब पेट भर जाता है, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद वो दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देता है। तो वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित था, उसकी रोजी रोटी की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वो अपना जो प्रोफेशन होता था उसमें परफेक्शन लाता था। इसी के कारण हमको इतनी सारे समृद्ध कला हमको मिली। तो वर्ण व्यवस्था में आदमी के पास फुर्सत का काफ़ी समय होता था, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती थी। आज हम लोग, आज इस समय में व्यक्ति 30-35 साल का होता है, फिर भी उसका कैरियर डिसाइड नहीं होता, उसे मालूम नहीं होता है कि मैं, मुझे किस दिशा में जाना है, जबकि उस समय में ये चीज़ समस्या नहीं थी। तो वर्ण का क्या है, ये वर्ण पूरी तरह साइंटिफिक है, इसका आधार था कर्म।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टुम गुणकर्म विभागसा, यानी कि चार वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के हिसाब से की है। यानी व्यक्ति में जो गुण होता है, जो कर्म होता है, उसी के हिसाब से वो वर्ण उसका निश्चित होता है। यानी ये पूरी व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। तो हम चारों वर्णों के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहले मैं बात करूंगा ब्राह्मण की। ब्राह्मण का लक्षण होता है जिसकी इंद्रियां शुद्ध है, जो अंदर से बाहर से शुद्ध है, जो क्षमावान है, जिसका व्यवसाय था वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना, वो था ब्राह्मण। दोस्तों, ब्राह्मणों ने हमारी संस्कृति का निर्माण किया। ब्राह्मणों ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। हम कहानियों में पढ़ते हैं ना कि एक गरीब ब्राह्मण था, ये सत्य था। क्योंकि ब्राह्मणों ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ब्रह्म की जिज्ञासा की। उन्होंने समाज के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। अब दोस्तों, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ऋषि याज्ञवल्क ने कहा था जनक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति क्या होता है, तो याज्ञवल्क ने कहा था कि ब्रह्म को जानने के बाद ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। यानी जिसने ब्रह्मा को जान लिया है, जिसने ईश्वर को जान लिया है, वो है ब्राह्मण। तो आज के इस युग में जो वैज्ञानिक है, जिनके लिए ज्ञान ही सर्वस्व है, जो ज्ञान के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकते हैं, यानी जैसे महान वैज्ञानिक जो अपना सर्वस्व ज्ञान के लिए समर्पित करते हैं, वो हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय, चतुराई, शौर्य, धैर्य, युद्ध में से ना भागना, दान, स्वामीपन, ये थे क्षत्रिय के लक्षण। तो इन्होंने समाज को सुखी समृद्ध बनाने, समाज की रक्षा करने का इन्होंने जिम्मेदारी उठाई। क्षत्रिय का मतलब होता है शुद्ध स्वाभिमान। क्षत्रिय देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे देते थे, वो थे क्षत्रिय। क्षत्रियों ने भी कभी धन की परवाह नहीं की। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि पुराने समय में जब राजा युद्ध करने जाते थे तो वैश्यों के पास से धन उधार लेते थे युद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा धन प्रजा की भलाई के लिए खर्च कर देते थे। समाज में उदाहरण है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने जब समाज की दुर्दशा देखी तो उन्होंने अपनी सर्वस्व, अपना संपत्ति, अपना राजपाट सब त्याग दिया। तो आज के समय में जो सैनिक हैं, जो सेना बॉर्डर पे है, जो अपना परिवार छोड़ के देश की रक्षा की खातिर अपनी जान दे देते हैं, हर मुसीबत का सामना करते, वो हैं क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य लोगों का व्यवसाय था खेती करना, गोपालन करना, क्रय विक्रय करना। वैश्य लोग के लिए धार्मिक रूप से व्यवसाय करना निश्चित था। वैश्य लोगों को हम कहते हैं सेठ। सेठ जो शब्द है, श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश है। यानी जो श्रेष्ठ तरीके से धर्म का पालन करके धन कमाता है, समाज को सुखी समृद्ध बनाता है, वो है वैश्य। फिर मैं बात करूंगा शूद्रों की। शूद्र यानी वो लोग जो समाज के जीवन को सरल बनाते हैं, समाज के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, जिनके लिए कर्म प्रिय है, जो कर्म करे बिना नहीं रह सकते हैं, वो हैं शूद्र। दोस्तों, शूद्र शब्द को हमने गाली बना दिया, लेकिन ये एक आदरवाचक शब्द था। ये वो लोग थे जो समाज के लिए हमेशा कर्मठ रहते थे। इन्होंने समाज के लिए हमेशा कर्मशील ये लोग रहते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सुखी समृद्ध बनाने के लिए किया। और ये वर्ग काफ़ी धनवान भी था, क्योंकि जो इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी खोजी थी उसके कारण इनको काफ़ी धन भी मिलता था। तो दोस्तों, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, इसमें कोई हाई रेरकी नहीं थी। यानी कोई भी ऊंच नीच नहीं था, चारों वर्ण समान थे। वेद वाङ्मय में कहा गया है, जो आत्मस्वरूप, जो पुरुष है, जो आदि पुरुष यानी भगवान, भगवान का मुख है ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये पोएटिक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, कविता की भाषा है। ब्राह्मण यानी शीश, जिसके लिए ब्रेन यानी ज्ञान सब कुछ है। क्षत्रिय को कहा गया भुजा, भुजा यानी बाहुबल। क्षत्रिय जो बाहुबल के द्वारा समाज की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय। शूद्र को कहा गया जांग, यानी जो समाज को चलाता है, वो है
सॉरी जो समाज को चलाता है वो है वैश्य यानी कि जांग, और जो समाज के लिए कर्मशील है, जो समाज का आधार है, बेज है, वो है शूद्र। तो पूरी जो हमारी व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। भगवान बुद्ध ने भी, भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा था कि कम्मुणा ब्रह्मणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो, वणिको कम्मुणा होई, शूद्रो कम्मुणा होई। यानी व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है। यही बात कही थी भगवान बुद्ध ने, न जच्चा ब्रह्मणो होई न अजच्चा ब्रह्मणो होई। यानी कि ना तो कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, व्यक्ति जो होता है वो किससे होता है, कर्म से। कम्मुणा ब्रह्मणो होई यानी पूरी व्यवस्था थी वो हमारी कर्म प्रधान थी। अब इस व्यवस्था में तकलीफ कैसे आई, इसका पतन कैसे हुआ, तो अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत को गुलाम बनाना आसान नहीं है, तो उन्होंने समाज व्यवस्था को भंग कर दिया। उनका नीति ही थी डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने समाज को वर्ण व्यवस्था में गलत ढंग से उसका उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। एक अंग्रेज था जिसका नाम था मैक्स मूलर, ये जर्मन विद्वान थे जिनको संस्कृति का काफ़ी ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ थे, मनुस्मृति, वेद ग्रंथ, इनका भाषांतर किया। अंग्रेजों ने उसमें अपनी मनगढ़ंत बातें डाली। जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों का मानना है कि आर्य लोग दूसरे देश से भारत आए थे, लेकिन वास्तव में आर्य लोग इसी देश के मूल निवासी थे। फिर उसके बाद भारतीय संस्कृति का सबसे ज़्यादा पतन किया विलियम हंटर ने। विलियम हंटर ने भारत के जितने भी शास्त्र थे, ग्रंथ थे, सबका सत्यानाश कर दिया, और उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, वेद की जो व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, पूरी साइंटिफिक थी। उस समय की जो व्यवस्था थी सही थी। आज हम किसी को दोष दें तो गलत बात है। ये जो चार जो वर्ण है, ये समाज के पिलर हैं, आधार स्तंभ है। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा समाज हो जिसमें मात्र क्षत्रिय हो, मात्र ब्राह्मण ही हो, मात्र वैश्य ही हो, मात्र शूद्री हो, समाज जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। चारों वर्णों को एक साथ मिलना होगा, एक दूसरे को आदर देना होगा, और सभी आदर के पात्र हैं। चारों वर्णों की समाज को ज़रूरत है, तो ही समाज आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जो बीत भूतकाल था उसकी ओर हमको पीठ करना है, और हमें मुंह अपना भविष्य की ओर करना है, तो ही भारत देश महान बनेगा। मेरा वीडियो इतने प्रेम पूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपके सभी सपने साकार करें।